मंडी में आयोजित संघ की कार्यप्रणाली की बैठक में पेंडिंग पड़ी मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से संघ की पेंडिंग पड़ी मांगों को तुरंत बहाल करने की मांग की। इस बैठक में 4/9/14 को सरकार के शेड्यूल के मुताबिक गत 1 अक्टूबर 2012 से जारी करने की मांग की गई। साथ ही क्वालिफाइड यानी योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के रास्ते को पुनः बहाल करने की सरकार से गुहार लगाई गई। इसके अलावा इस बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रेजुएट एक्ट के तहत अन्य बैंकों की तर्ज पर 10 लाख की जगह 20 लाख ग्रेजुएटी देने की अपील की गई। बैठक की जानकारी देते हुए राज्य सहकारी बैंक संघ के सचिव महासचिव अनिल चौहान ने बताया कि संघ पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है, मगर अभी तक सरकार व बैंक प्रबंधन की ओर से इस पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया। इस अवसर पर संघ के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ की एक विशेष बैठक मंडी में आयोजित की गई। उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में संघ की पेंडिंग मांगों को लेकर मंथन किया गया। हमारी आज यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें काफी समय से जो लंबित हमारी मांगे हैं, उन मांगों में 4/9/14 जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की एनालॉजी पे 1/10/2012 से हमारे कर्मचारी और अधिकारियों को मिलना चाहिए, वो हमारी मुख्य मांग है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की एनालॉजी पे हमारे बैंक के कर्मचारियों को भी 4/9/14 1/10/2012 से मिले। दूसरी जो हमारी मांग है, काफी समय से काफी सालों से हमारे पास कोऑर्डिनेट स्टाफ पीएन काफी समय से बैंक में बहुत सारे पीएन ऐसे हैं जिनका जो प्रमोशन का जो रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। हम चाहते हैं कि पीएन जो हमारे क्वालिफाइड पीएन है उनके लिए एक उचित रास्ता निकाला जाए ताकि वो जो उनकी प्रमोशन है क्लैरिकल के लिए वो उनको प्रमोशन मिले। इसके बाद जिस तरह से इस कोरोना काल में हमारे बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपनी सेवाएं दी है इस विकट परिस्थितियों में भी, और हम चाहते हैं कि हमारे बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दूसरे बैंक के एनालॉजी पर तर्ज पर हमारे बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 6 दिन में जिस तरह से लॉकडाउन में पहले लॉकडाउन जो 21 दिन का था उसमें जो 1 हफ्ते में 1 दिन की अतिरिक्त जो सैलरी बाकी बैंक ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी है, हम चाहते हैं कि हमारे बैंक के कर्मचारियों को भी वो 1 हफ्ते में 1 दिन की अतिरिक्त सैलरी मिले।